जी यस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द सिक्स चैप्टर ऑफ आवर हिंदी ग्रामर लिंग। अब इस पिक्चर में देखिए, एक लड़की खेल रही है, मोर नाच रहा है, लड़का व्यायाम कर रहा है, मोरनी खड़ी है। तो इन वाक्यों से हमें यह ज्ञात हो रहा है या पता चल रहा है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह स्त्री है या पुरुष है। ऊपर दिए वाक्यों में लड़का तथा मोर शब्द में पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़की व मोरनी शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। जिन शब्दों से हमें यह पता पड़ता है कि वह बॉय के लिए बोला जा रहा है या गर्ल के लिए बोला जा रहा है, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पापा, दादा, राजा, बैल, कुत्ता, घोड़ा आदि, ये सब पुल्लिंग जाति का बोध कर रहे हैं। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मम्मी, लड़की, रानी, धोबी, गाय, शेरनी, बकरी आदि। अब हम कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, बेटा, बेटी, रीछ, रीछनी, युवक, युवती, लुहार, लुहारिन, लेखक, लेखिका, आदमी, औरत, नाना, नानी, दास, दासी, देव, देवी, सेठ, सेठानी, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, माली, मालिन, महोदय, महोदया, बैल, गाय, मालिक, मालकिन। तो इस पाठ में हमने क्या जाना? पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं।